वैसे लड़का करता क्या? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी लगा लिया ना दाग ज्यादा। ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। बोनस जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर बनाए, झाग ज्यादा निकाले, दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। नाजी, इस टाइम मैं पाकिजा प्याला होटल पर मौजूद हूँ। मुल्तान के यहाँ पर उस्ताद मौजूद हैं जो पराठे बनाते हैं, आमलेट बनाते हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या क्या चीज़ यहाँ पर आप जो पराठों में जो है, कौन कौन से पराठे बनाते हैं? हमारे पास सादा पराठा होता है, बाल वाला, और अंडे वाला पराठा भी होता है, आलू वाला पराठा भी होता है, और आमलेट भी बनाते हैं। अब तो बड़े बड़े मतलब कहने का बड़े फेमस वो आ रहे हैं, जैसे चॉकलेट वाला पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, और इस तरह से बहुत सारी जो वैरायटीज़ हैं। और ये बलों वाला पराठे के हवाले से थोड़ा सा बताएं, लोग क्या शौक से खाते हैं इसे? ये बल वाला पराठा लोग शौक से खाते हैं, इस पर जो घी लगता है बल बनते हैं, और उनको बहुत मज़ा आता है खाने में, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल लेने आते। थोड़ा सा ये जो है इसकी जो डो है, जो आटा है, इसको गूंदने का थोड़ा सा तरीका बताइएगा। इसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जैसा कि दही, अंडा, और चीनी, घी वगैरह, और नमक, पानी वगैरह मिक्स करके फिर इसको बनाएं। कितना आटा हो, अगर मिसाल के तौर पे 2 किलो है तो उसमें ज़रा मिकदार बताइएगा। नाजिन, हम चाह रहे हैं कि अगर आप घर में भी बलों वाला पराठा बनाकर इंजॉय करना चाहते हैं तो भाई से उसकी रेसिपी पूछते हैं। तो 2 किलो आटे में आप 1 कप चीनी का डाल लें, और आधा कप यानी कि घी का डाल लें, 1 अंडा डाल लें, 1 अदद, और आधा पाव दही डाल लें। उसको मिक्स करके बिल्कुल अच्छी तरह पानी में, फिर थोड़ा सा पानी हो जिसके आटा नरम ज़्यादा ना हो, सख्त आटा हो, फिर उससे फिर आप आटा बना के फिर उसको पेड़े बना के फिर उसको बल दे के पराठा तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि इसका कोई टाइमिंग का भी कुछ है कि मतलब कितनी देर पहले जो है वो आटा गूंद कर आप रख दें अगर आप पराठा बनाना चाहते हैं? वो आटा मलने के बाद 5 मिनट आटा को रखेंगे, फिर वो अपनी मिकदार में आ जाएगा। 5 मिनट बाद आप पराठे भर देंगे, उसके बाद 10 मिनट बाद पराठे यानी कि पहले वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, फिर आप लगा के खा सकते हैं, मज़ा आएगा। अच्छा, आमलेट के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि आमलेट कौन कौन सा आमलेट आप तैयार करते हैं, और आमलेट के हवाले से यहाँ पर वो भी पता है बड़ा मशहूर है कि लोग जो है यहाँ बड़ी बड़ी दूर से आते हैं आमलेट और अंडा इंजॉय करने के। आमलेट में ये चीज़ें डाली जाती हैं, यानी कि काली मिर्च, और ये जो लाल मिर्च होती है, नमक वगैरह, धनिया, प्याज, टमाटर, ये वगैरह वगैरह डाल के जितने आप खाएंगे उतने बना के दे देंगे, उतना मज़ा आता है। आपने देखा कि उन्होंने जो डो है आटे की, उसकी रेसिपी भी बताई कि अगर आप घर में पराठा बलों वाला बनाकर एंजॉय करना चाहते हैं, ये आटा क्या वाइट वो आटा होता है या क्या ये चक्की का है? सुपर फाइन आटा होता है। सुपर फाइन आटा लेने के बाद आप उसमें घी, जैसे भाई ने रेसिपी में बताया, वो तमाम चीज़ें डालने के बाद घर पर गूंदने के बाद बलों वाला पराठा इंजॉय कर सकते हैं। चाय वाले से भी बात करेंगे कि वो चाय यहाँ पर कश्मीरी चाय, कावा, और जो है उसके अलावा दूध पत्ती, मुख्तलिफ इकसाम की जो है वो चाय तैयार की जाती है, उनसे बात करते हैं कि वो चाय कौन कौन सी और कैसे तैयार करते हैं। जी नाजी, इस टाइम अब मेरे पास उस्ताद मौजूद हैं जो यहाँ पर कश्मीरी चाय, कावा, दूध पत्ती चाय तैयार करते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई जान, कौन कौन सी चाय जो है वो कस्टमर की जो है यहाँ पर मांग है, और आप कौन कौन सी चाय तैयार करते हैं? दूध पत्ती चाय की मांग है अच्छी, और कश्मीरी चाय भी, सब चाय और अच्छी चाय बनाते हैं हम। अच्छा, कश्मीरी चाय की थोड़ी रेसिपी जो है हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको बताएं ज़रा, अगर कश्मीरी चाय वो घर में बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार यही है, यहाँ भी दूध अच्छा हो जाए, और उसका एक मिलता है वो कश्मीरी चाय वाला जो है ना जी, शाशा। अच्छा, उससे बन जाती है बेहतरीन। अच्छा, 1 किलो दूध हो तो उसमें एक शाशा काफ़ी होता है या क्या, उसके लिए क्या बताएंगे आप? एक ही शाशा काफ़ी हो जाता है 1 किलो दूध के लिए। अच्छा, तो ये कितनी देर पकाना पड़ता है इसे? जैसे चाय पकती है वैसे वो चाय तैयार हो जाए, और बादाम पिस्ता आप डालें और उसको एंजॉय करें, और उसका जो है ना अलग से डलता है वो अलग से जी। अच्छा, वो अलग कटा होता है, उसके ऊपर जो है ना चाय तैयार करके उसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो आप दूध पत्ती चाय बनाते हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए।
दूध पत्ती चाय अच्छी बनाते हैं, कोई मलाई वाली पसंद करता है, कोई जो है ना सादा चाय पसंद करता है, कोई दूध पत्ती बगैर मलाई के मांगता है। जो कावा बना रहे हैं वो कावा कौन कौन सा कावा बना रहे हैं? सबज कावा होता है पत्ती वाला। ये कोई खास कावा कहीं से आता है? हाँ जी, कहाँ से? पेशावर से आता है। अच्छा, पेशावर से आता जी। तो वो भी जो लोग जो है वो पसंद करते हैं? वो इंशाल्लाह पसंद करते हैं, गारंटी जैसे पी जाती है वैसे ही कावा। कितना अर्सा हो गया आपको ये चाय और इसका काम करते हुए? चाय तकरीबन हो गया मुझे 14 साल हो गए हैं चाय बनाते जी। नाजीन, आपने देखा कि ये चाय बनाने वाले उस्ताद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ग्रीन टी के हवाले से भी बताया, उसके अलावा कश्मीरी चाय के हवाले से, और दूध पत्ती जो यकीन हर घर में जो है वो बनाई जाती है अगर अच्छा दूध हो, और पत्ती जो है कोई खास किस्म की कोई पत्ती होती है इसमें जो चाय बना उसमें डलती? वो सिर्फ जो है ना शाखा डलती है। जो दूध पत्ती जो है इसकी पत्ती कोई खास होती है? नहीं, इसकी पत्ती भी यही चाय वाली होती है, दूध अच्छा होएगा चाय बेहतरीन बन जाती है, दूध पत्ती बन जाती है। ये शर्त है नाजरीन के अगर दूध अच्छा होगा तो यकीन आपको चाय भी आपकी अच्छी बनेगी और आप उससे लुत्फानंदोज होंगे जी। सॉरी सॉरी, इतना गहरा था।